मेरे हस्बैंड ने थाईलैंड का टिकट कराया तो मैंने भी बड़ा सा बैग उठाया, मौसम के हिसाब से कपड़े उठाया, अंदर सबको सेट कराया, कुछ टी शर्ट्स और कुछ चड्डियां उठाया, रात को सोने के लिए पजामा भी रखाया, कुछ मोजे और जांघिया भी रखाया। पीछे मेरे बेटे ने स्पाइडरमैन का राग लगाया, मोजों की जगह को अल्टी पल्टी कराया, सुट्टे मुट्टे का भी पूरा इंतजाम कराया, बीच पे ले जाने के लिए अलग से बैग तैयार कराया, स्विमिंग के लिए रेशमी छोटी चड्डी रखाया, बीच पे लेटने के लिए तौलिये का भी इंतजाम कराया, यूट्यूब चैनल की प्रमोशन के लिए यूट्यूब के नाम वाला हुडी भी रखाया। स्किन का ख्याल तो बहुत जरूरी है, इसलिए साथ में सनब्लॉक भी डलवाया, बीच पे पहनने को क्रॉक्स अलग से रखवाया, शशके मारने के लिए नीला चश्मा भी मंगवाया, टॉयलेटरी रखने के लिए अपना वैनिटी भी उधार कराया, बाल बनाने को सीरम, मुंह धोने को साबुन, कान साफ करने को तीला, बाल बांधने के लिए रबर बैंड, बाल पीछे करने के लिए बैंड, सनी प्लास्ट, टिश्यू, क्रीम, पाउडर, नाखून तराशने का आला, जेवरात, सब कुछ मैंने एक ही बैग में पूरा कराया। शैम्पू को टेप से फाया लगाया, दांत मांजने के लिए ब्रश और मंजन भी रखवाया, एक खाने में कम चीजें रख के बाकी की जगह अपने तोहफों के लिए बचाया, फिर शोखियां मारने के लिए डॉलर और भात को पंखा बना के दिखाया, फिल्मिंग करने के लिए लाइट और ट्राइपॉड भी रखवाया, फिर वजन पूरा कराया और 5 kg अपने तोहफों के लिए बचाया, बैकपैक भी तैयार करवाया और उसमें जरूरी अशिया भी रखवाया, बाकी इसको भी खाली छुड़वाया ताकि हमारे तोहफों के लिए जगह बनाया, आखिर में ट्रेंडिंग सॉन्ग भी चलाया। के बाद भाया एक सब्सक्राइब का बटन तो दबाया और लाइक पे भी अंगूठा लगाया।